ड्रामा सीरियल नंदा एपिसोड 26 में आप देखेंगे कि शहजेब फरवा से मिलने आया तो गोहर ने उन दोनों की वीडियो बना ली। अम्मी को कॉल करके बताया आप जल्दी से घर आ जाएं, फरवा हमारी इज्जत को मिट्टी में डोलने के चक्रों में है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस लड़की को अब ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। जबकि गोहर की बातों से उसकी अम्मी बेहद परेशान हो गई और अगले ही दिन घर वापिस आ गई। फिर जब हसन और साकिब ऑफिस से वापिस आए तो गोहर ने सोचा अब अच्छा मौका है। गोहर बोली मैं तुम सबको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, उसको देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे, फरवा तुम भी पास आ जाओ। जब फरवा करीब आई तो गोहर ने अपने मोबाइल से वो वीडियो ऑन की। जबकि हसन जैसे जैसे वीडियो देख रहा था उसके चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। फरवा ने एक नजर सबको देखा कि सब इस वीडियो को किस नजर से देख रहे हैं। इससे पहले कि फरवा कोई वजाहत देती हसन उठकर कमरे में चला गया। जबकि फरवा बोली अम्मी साकिब भाई ये जो आप लोगों ने देखा ये देखने में जैसा नजर आ रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, शहजेब सिर्फ मेरा दोस्त है और शादी पर नहीं आया था इसलिए मुझे वो तोहफा देने आ गया। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग घर पर क्यों मिलते, और गोहर आपने जो सब किया मैं आपके मकसद को जानती हूँ, आप मुझे हसन से दूर करना चाहती हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये कहकर फरवा अपने कमरे में चली गई। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजीद आप देखेंगे। फरवा के जाते ही गोहर बोली आप सब ने अपनी आंखों से हकीकत देखी, मैंने ये सब इसलिए ही किया था कि तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। इस पर साकिब बोला आप ही बस करें, ऐसी बातें करना बंद करें, ड्रामा फरवा नहीं आप कर रही हैं। अम्मी मैं आप कोई और झगड़ा इस घर में नहीं होने दूंगा, फरवा सुबह अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं और उनको कोई नहीं रोकेगा। जबकि फरवा ने कमरे में जाकर हसन को सब सच बताया तो हसन बोला फरवा मुझे तुम पर यकीन है, मैं जानता हूँ आप ये हरकत क्यों कर रही हैं लेकिन शहजेब ने जिस तरह तुम्हारा हाथ पकड़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फरवा बोली हसन मैं शहजेब को समझा दूंगी और अगर तुम कहोगे तो मैं उससे मिलूंगी भी नहीं। इसके बाद जब गोहर को पता चला कि हसन वाकई ये घर छोड़कर जा रहा है तो गोहर ने फरवा से कहा हसन ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। इस पर फरवा बोली तो आप अपने घर चली जाए ताकि हम भी सुकून से रहें। तो फ्रेंड्स क्या गोहर चली जाएगी वापस जहांगीर के पास, अपनी राय में उत्तर कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।